बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को गुंडा सरकार से छुटकारा मिल गया है। बिहार के अंदर लालटेन युग लाने वाले बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य की तरफ ले जाना ही मकसद है। और वहीं सीटों के तालमेल पर विजय सिन्हा ने कहा कि सीटों के तालमेल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीटों का भी ऐलान हो जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं, अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं। सर, पहली मुलाकात सरकार बनने के बाद अमित शाह से हुई है, राजनाथ सिंह से हुई है, किन इशू को लेकर उन्होंने अवगत कराया? देखिए, उन्होंने सेवा का अवसर दिया है, शिष्टाचार मुलाकात है। बिहार के अंदर बिहार की जनताओं के भावनाओं के अनुरूप जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील कर रहे लोगों से मुक्ति का हमारे सक्षम नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, आज सभी लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। और जो लोग बिहार के अंदर लालटेन युग लाना चाहते थे, उनको बड़ा धक्का लगा है, वो परेशान हैं। हम लोग ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है, कम समय में बेहतर कैसे करें और बिहार के अंदर फिर से सुशासन स्थापित करने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के संकल्प को साकार करें। सरकार तो बन गई है जेडीयू और बीजेपी की, और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, सबसे बड़ा सवाल यही है दरअसल कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय सीटों का समीकरण था कि 17-17 और 6 का फॉर्मूला बना था। उसमें परिस्थितियाँ कुछ और थी, आपके साथ सिर्फ LJP था और इस समय और सहयोगी दल है, इसमें कैसे समन्वय बन पाएगा चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, हमारी पार्टी वंशवादी या व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबको साथ लेकर के चलते हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विपक्ष आरोप लगा रही है, RJD सीधे तौर पर कह रही तो गठबंधन तो हो गया है लेकिन दिलों का मेल नहीं, और यही कारण है कि मंत्रिमंडल का पूर्ण रूप से विस्तार। आपको बता दें कि NDA नेचुरल गठबंधन है, NDA बिहार के भावनाओं का, लोगों के विश्वास का गठबंधन है, NDA जनादेश का सम्मान है और ये नेचुरल है। जो अप्राकृतिक था, जो जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजा से आया था, वो नेचुरल नहीं था, इसीलिए वो विखंडित हुआ और फिर से नेचुरल गठबंधन जमीन से सड़क से सदन तक सामूहिक उत्साह है। सीटों का तालमेल बैठ जाएगा सभी पार्टी पूरी तरह से, कहीं दिक्कत नहीं है। बिहार के लोग भी बदलाव चाहते हैं, बिहार को जो बदनाम किए, बिहार के शांति को जिसने भंग किया, बिहार के अंदर अराजकता, भ्रष्टाचार, घोटालों का जो प्रतीक बनाया, उनसे मुक्ति का बिहार की जनता की चाहत है, उस पर हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये बिल्कुल दिलों का मेल है और कहीं कोई खटास नहीं है। रही समन्वय की बात, खासकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, तो इस पर भी बातचीत हो रही है और आसानी से समन्वय बन जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।